बीते दिन पंजाब पुलिस की सब इंस्पैक्टर वालों ब्लैकमेलिंग के शिकार होए विक्रमजीत और उसकी पत्नी वालों की गई आत्महत्या के संबंधी इंसाफ लैन लिए अज उन्हों की बेटी तनुप्रीत कौर पुलिस कमिश्नर अमृतसर कोल पहुंची, जिथे पुलिस कमिश्नर अमृतसर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल वालों उन्हों की पूरी गलबात सुन के कार्रवाई करने का आश्वासन दिता गया। इस मौके गलबात करदे तनुप्रीत ने कहा कि कमिश्नर साहब वालों उन्होंने सारी गलबात सुनद कार्रवाई करते आदेश दिए गए हैं और वह चाहती है कि जिस सब इंस्पैक्टर संदीप कौर के कारण उसके माता पिता वालों आत्महत्या की गई उसको फांसी की सज़ा मिले। इस सारे घटनाक्रम संबंधी गलबात करद कमिश्नर अमृतसर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि उन्होंने सारे मामले में ADCP अमृतसर को जाँच के आदेश देते हैं। कल IG बॉर्डर रेंज नूं मिले सीगे, केस उत्थे रजिस्टर्ड होया सीगा और जिथे लड़के ने सुसाइड किया सीगा वो कमिश्नरेट दे विच पैंदा सीगा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट दे विच। मेन जिहड़ी FIR है इत्थे दर्ज होई सी उहदे विच साडे मन च कोई शंके सीगे मेरे ते परिवार दे मन च, क्योंकि समाज च रहिंदे इन्ना पता लग जांदा कि जिहड़ी FIR दर्ज की गई कुछ अणपछाते बंदिआं दे उत्ते की गई, जदकि वह लड़का पूरे नाम लिख के गया सीगा उहदे विच। उह कमिश्नर साहब ने अज क्लीयर कर दिता कि जिहड़ा नवनीत संधु सीगा उहदा नाम जिहड़ा विच नॉमीनेट कर दिता है और उहदे नाल इक दीप संधु है, किसी नूं भी मतलब उन्हां वल्लों अशोरेंस दित्ती गई है कि बख्शिया नहीं जाऊगा। इहदे नाल जो परिवार नूं होर शंके सीगे ते अज परिवार नूं मिला दिता, किते ना किते इहनां दी वी तसल्ली है और मैं समझदा कि जल्दी तो जल्दी वह जिहड़ी लड़की उहनूं फड़ लिया जाऊगा। मेरे ध्यान दे विच होर एक दो केस समाज दे विच आ रहे ने कि 15 लाख रुपया उहने कोई शहर का भी लड़का है उहदे नाल भी पहलां फेर चला के उहदे कोलों लिया, उहदी भी रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब नूं कीती गई है। पर बड़ी बदकिस्मती है कि जदों इहो जिहियां घिनौणियां हरकतां कर रही सी, एक SHO दे नाल इनवॉल्व सीगा जिहड़ा उत्थे लगा सीगा जिहदी छत्तर छाया जो चल रही सी, जदों पुलिस दे विच इहो जिहे लोक होण, देखो तुसीं मैं को सिविलियन जिहड़ा एक क्राइम करदा एक मन्नण चाहुंदा कि उहदे दिमाग 'च होऊगा कि उहदा दिमाग फिर गया होगा, जिहड़े कानून दे रखवाले आ जिन्हां ने साडी रक्षा करनी आ, जिहड़े कोई माड़ा अंसर असीं भी समाज 'च कोई माड़ा काम करिए सानूं फड़ के सख्त सजावां देणियां जां अंदर देणा, जदों ये लोक जदों भगवान ही पाप करन लग पवे ते फिर उहदे उत्ते जिहड़ा दिल बहुत ज़्यादा दुखिया होर किसी ने कीता हुंदा, जां आम शहर दे विच जां समाज दे विच इहो जिहियां घटनावां हुंदियां रहिंदियां ने, पर जिन्हां लोकां दी ड्यूटी रोकण वाली सी उहनां ने कीता, इस करके बहुत ज़्यादा मंदभागा। और मैं कल भी बेनती कीती सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और DGP पंजाब नूं कि पुलिस की एक बारी स्क्रीनिंग होनी चाहिए है, ये जी नवी भर्ती है जां कई माड़े अंसर ने जिहड़े गैंग चला रहे ने, कि तरह तरह की जी एक्सटॉर्शन लोगों को ली जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे वह लड़कियों के थ्रू ही किन्ने केस तुहाडे सामने आ जाते हैं कि आपे ही किसी लड़की तैयार किया जाता, आपे ही फोन कराए जाते हैं, आपे ही ट्रैप ला के फड़ लिया जाता। इहो जिहे लोग जिहड़े पुलिस दे विचों शांति करने चाहिए ने, सारी पुलिस माड़ी नहीं हैगी, चंगे अफसर भी है, इंसाफ देने वाले भी है, पर मतलब माड़े तो माड़े भी है ने। यह सारी जी स्क्रीनिंग होने वाली है एक बार ये पुलिस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं ये बारे तो कोई भविखबाणी नहीं कर सकता जी, मृतक नालों वो कि स्टेज पर सी जां किहड़े भी उहदे रिलेशन रहे ने, पर जे किसी तरीके दे भी रिलेशन रहे ने, चाहे वह दोस्ती सी, चाहे वह अफेयर सीगा, चाहे किसी भी पार हद दे रिलेशन सीगे, पर जिहड़ी रिलेशन का फायदा चुक के उहदे विच ब्लैकमेलिंग की गई, उस परिवार का नुकसान किया गया, वो मर गया, वो चीज़ बहुत मायना रखती, कितने ना कितने जे रिलेशन पहला शुरू तो कितने प्यार दोस्ती वाले रहे भी होणगे, एक दोस्ती दे उत्ते ते एक प्यार दे उत्ते भी बड़ा वड्डा कलंक है। सर, CM साहब की गलबात हुई है लड़की के नाल, CM साहब ने कहा कि पूरी जाँच की जाएगी, सस्पेंड किया है, सस्पेंड करे दे नाल सर मस्ती। मैं CM साहब नूं परसों बेनती की सी जिदण इन्हां दे पिंड गया सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वो नूर नाल बड़ियां गल्लां करदे, वो भी बच्चा है साडी स्टेट दा, वो कमेडियन है, तो यह लड़की तुहानूं दुहाई दे रही है हर वीडियो दे विच इहदे नाल गल करो, उन्हां नूं मैं परसनली मैसेज किया सीगा, उन्हां नूं मैं परसनली फोन किया सीगा कि इस लड़की नाल गल करो, उन्हां ने इहदे नाल गल की, उस तों बाद उन्हां दा मैनूं भी फोन आया सीगा कि उन्हां नूं पता नहीं सी एक केस दा, मैं समझदा नहीं कि हर चीज़ उन्हां दे नोटिस भी हो सकती है। फिर उस तो बाद उन्हें IG जिहड़े परमार ने उन्हां दी ड्यूटी लाई सी, उस तो बाद अज जदों असीं उन्हां नूं दस्सिया सीगा भी इत्थे मेन केस रजिस्टर्ड होया, फिर कमिश्नर साहब नूं भी उन्होंने कहा तो अज असीं इत्थे मिलण आए हां, और मैं मानदा हां कि कितें ना कितें इंसाफ इस परिवार लई जरूरी है, और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां नूं फिर कहना चाहुंदा कि शहर दे विच बड़ा वड्डा स्कैंडल होया सी तुल्ली हस्पताल जिहड़ा कांड सीगा, उहदे विच वी CM साहब ने वीडियो 'च इक स्टेटमेंट अपनी जारी करके दित्ती सी कि मेरी देख रेख 'च होगा, तो एक भी बंदा उहदे विच नहीं सी फड़िया गया, उही तरीका कितें इत्थे ना वरत्या जाए, ये जिहड़े दोषी ने छेती तो छेती फड़ के अंदर दित्ते जाने चाहिए। कमिश्नर साहब वालों आश्वासन दिता गया कि इन्हां नूं छेती तो छेती जिहड़ा इंसाफ मिल जाएगा।
हाँ जी, बड़े ध्यान नाल उन्होंने गल सुनी है, सारा कुछ उन्होंने दस्या। जो मन च शंके सीगे इस बच्ची दे सीगे इस परिवार दे सीगे जो मेरे मन च उत्पन्न होंदे सीगे वो उन्होंने क्लीयर किए ने, और कितने ना कितने उन्होंने कहा है कि बहुत छेती जो परिवार को इंसाफ मिलेगा उन्होंने फड़ के अंदर दिता जाए। मैं कल भी है तुसी प्रेस सारी उत्थे सीगी ते आई जी साहब नाल गल की सी कि वो कहिंदे सी कि जे कोई करप्शन होवे रेप केस होवे ते उहदे विच सीधे तौर पर डिसमिस कर दिता जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਬੇਟੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ LLB ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭੂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ADCP 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ TV ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।